you and your wife do together? Boating? Boating? कौन सी पिक्चर में तो? We should also ask. Because we are hooking up in the next film anyway, so. But if you kill her, how can you hook up? I'll hook up with her, then she'll die, na? After that. I mean, she'll not die. Why you killing people for this? Borrow, steal. Three best friends of yours from the industry. To be as honest as you can be. So for that, we're going to do a coffee swear. A coffee swear. कॉफी विद करण 8 के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ नजर आ रहे हैं। इस एपिसोड में करण जौहर ने रिवील किया कि वरुण और सिद्धार्थ अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट की कास्टिंग के खिलाफ थे। करण ने कहा, मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार आलिया हमारे सामने आई थी, तब तुम दोनों ने मुझे मैसेज किया था कि हम इसे फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते। तुम में से किसी ने कहा था कि वह काफी यंग है। एपिसोड में करण ने जब यह बात बोली, तब सिद्धार्थ और वरुण दोनों ही बड़े अनकंफर्टेबल नजर आए। करण ने आगे कहा, जब हमने 3 महीने बाद आलिया के साथ फोटो शूट किया, तब वो एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी। वो या तो काफी कॉन्शियस थी या फिर शर्मीली, क्योंकि तुम दोनों तो मुझे जानते थे पर वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी। पर उसके बाद जब पहला शॉट दिया, तभी मुझे समझ आ गया था कि उसे कास्ट करने का मेरा फैसला बिल्कुल सही है। इसके अलावा करण ने कहा, वरुण मुझे कई एक्ट्रेसेस की फोटोज दिखाया करते थे जिन्हें वो आलिया की जगह कास्ट करवाना चाहते थे, पर शुक्र है कि मैंने वरुण की नहीं सुनी और अपने डिसीजन को नहीं बदला। एपिसोड में आलिया ने भी अपने डेब्यू को स्टार सिद्धार्थ और वरुण के लिए एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में आलिया ने दोनों एक्टर्स से जुड़ी वो बातें बताई जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। उन्होंने कहा कि वरुण जानबूझकर फनी बन सकते हैं, वहीं सिद्धार्थ बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वरुण, सिद्धार्थ और आलिया ने 2012 में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, पर तीनों एक्ट्रेस के काम की तारीफ हुई थी। बाद में आलिया और वरुण ने साथ में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और कलंक जैसी फिल्मों में काम किया। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।